आइए, मैं चर्चा कर रही थी कि जब रानी खेमसरी जी संत के दर्शन को पाकर प्रफुल्लित हो रही थी तो सभी दासियां सभी सखियां कहती है, हे रानी साहब, आज तक मैं आपको जीवन में कभी इतना खुश नहीं देखा जितना आज तुम खुश हो रही हो। रानी कहती है कि हे दासी, जो संत के मर्म को जानता है, जो संत की भक्ति को पहचानता है, वही बहुत भाग्यशाली होता है। उससे भाग्यशाली और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। रानी केसरी जी कहती है कि हे संत बाबा, आप आसन ग्रहण कीजिए और अपने वाणी से मुझे कृपा कीजिए। राजा धोदन अपने पास पड़ोस के जितने भी भाई बंधु थे सब को बुला लाए और कहा कि हे भाई, आज हमारे घर में संत बाबा आए और आज संत बाबा अपने उपदेश सुनाएंगे। अगर आप सबकी इच्छा हो तो चलकर सुन सकते हैं। सभी पास पड़ोस के जितने भी भाई बंधु थे, जितने भी दास दासियां थी, जितने भी प्रजा थे, सभी संत बाबा के प्रवचन सुनने के लिए आ गए। अब सब सुकृत स्वामी कहने लगे कि हे रानी खेमसरी, जब जीव सदमार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलने लगता है, जब इस धरातल पर अत्याचार बढ़ने लगता है, तब संतपुरुष की आदेश से मैं इस संसार में आता हूँ और उपदेश सुनाता हूँ, और जो मेरे उपदेश पर चलता है मैं उसका उद्धार करता हूँ। तब रानी खेमसरी जी कहने लगी कि हे संत बाबा, क्या इस शरीर का उद्धार भी हो सकता है? सत सुकृत स्वामी कहे कि हाँ रानी, इस शरीर का उद्धार हो सकता है, क्योंकि जब 84 लाख योनि को पार करके ये मनुष्य तन जब भाग्य से मिलता है और इस मनुष्य तन में आकर सच्ची भक्ति नहीं करते इसे, प्रेम से बोलिए रोसरा सरकार की जय, रोसरा सरकार की जय, सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय, बंडी छोर कबीर साहब की जय, रोसरा सरकार की जय, रोसरा सरकार की जय। आइए, आपके बीच हमारे रोसरा सरकार से गुरुदेव आ चुके हैं और सभी आदमी से विनती है, सभी खड़े होकर सदगुरु का सम्मान करें, क्योंकि अवसर बहुत ही भाग्य से मिलता है। सजा